सब्सक्राइब कीजिए रोजगार समाचार इंडिया चैनल को और घंटी को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको सरकारी भर्तियों, रोजगार समाचार, न्यूज और ताजा अपडेट की जानकारी मिल सके। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे किसान कर्ज माफी की जो नई न्यूज है उसके माध्यम से, जिस प्रकार लोकसभा चुनाव 2019 नजदीक आ चुके हैं, किसानों में गुस्सा देखते हुए अब सरकार किसानों के हित में नए नए बड़े कदम उठा रही है। जिस प्रकार राजस्थान के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ही अब जो डिप्टी सीएम सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री ने जो बड़ी घोषणा की उसमें देखिए, किसानों की होगी संपूर्ण कर्ज माफी, सचिन पायलट बोल रहे हैं। सचिन पायलट जी ने कहा कि कांग्रेस चुनावी घोषणा पत्र में जो घोषणाएं की है उनको लागू करने के लिए कटिबद्ध है। और इसके साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जो सचिन पायलट ने सोमवार को दावा किया कि कांग्रेस पार्टी अपने वादों से नहीं मुकरेगी और चुनावी घोषणा पत्र के अनुसार जो किसानों के संपूर्ण कर्ज माफी और युवाओं की बेरोजगारी जो भत्ता संबंधी जो घोषणा पत्र में जो सभी घोषणाएं थी उनको सभी को पूरा करने का हमारा प्रयास रहेगा। पायलट ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भाजपा कर्ज माफी को लेकर किसानों को भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के सहकारी बैंकों के और राष्ट्रीयकृत बैंकों के सभी किसानों के 2 लाख रुपए तक के ऋण माफ़ किए जाएंगे। इस पर जल्दी प्रक्रिया चल रही है और जब ही किसानों के खाते में 2 लाख रुपये आएंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो बेरोजगार युवाओं जिनको हमने घोषणा पत्र में वादा किया था कि 3500 रुपये प्रति मंथ देंगे, तो उन सभी बेरोजगार युवाओं को भी 3500 रुपये प्रति माह देने की हम जो घोषणा पत्र में सभी घोषणाएं पूरी करेंगे। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि आप देख सकते हैं, पायलट ने कहा कि कांग्रेस सरकार की पहली प्राथमिकता है वो युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ, जिन युवाओं के साथ ही देखिए बैंक से किसानों के लिए जो बैंक से ऋण दिलाना है उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण के साथ ही आप देख सकते हैं बेरोजगारी भत्ता युवाओं के लिए और आम नागरिक और जो किसान भाई हैं जिन्होंने बैंक से लोन ले रखा उनका कर्ज माफ करना हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी, ये सचिन पायलट डिप्टी सीएम ने कहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी के दौरे पर जो फरवरी के दूसरे हफ्ते में राहुल गांधी प्रदेश के दौरे पर आएंगे उनके बारे में उन्होंने बताया है। और इसके साथ की जल्दी जो किसान कर्ज माफी के बारे में जल्दी बड़ा कदम उठाया जाएगा, ये राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने घोषणा की है। साथियों, इसी प्रकार जो भी आपके हित में लेटेस्ट ताज़ा जानकारी आई उनकी सूचना हम आप तक सबसे पहले पहुँचाने की कोशिश करें। अगर चैनल पर नए हो तो लाल रंग के सब्सक्राइब और घंटे वाले बटन को जरूर दबाएँ और वीडियो